वहीं बजट को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर और मुंगेली में आम लोगों से चर्चा की है। आइए जानते हैं उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट। ओपी चौधरी है, लगभग 13,400-13,500 करोड़ के आसपास कृषि ला हमला बजट पेश करे है। इसमें खुशी की बात ये है कि दुर्ग जिला और सरगुजा जिला ला एक कृषि महाविद्यालय के हमला सौगात दिस तेकर पर हमर पूरा प्रदेश भाजपा नेतृत्व में और हमर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला बधाई देना चाहता हूँ। नए बजट से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि सबसे पहली चीज़ की नया कोई कर नहीं लगाया गया, इससे जनता पे कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके लिए जो बजट में घोषणा हुई कि नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए सुरक्षा रेजिडेंट बूट की एक जो निर्णय लिया गया है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो योजनाएं ला रही है सरकार। ये सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है और इस बजट के समावेशी बजट है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर पर ही जो देश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आई है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे की ओर बढ़ेगा। जो पिछले कई वर्षों से प्रदेश पिछड़े राज्य के रूप में जाने लगा था, लेकिन इस बजट से निश्चित है कि छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी राज्य के रूप में पुनः फिर से स्थापित होगा। जो प्रदेश में कई इंडस्ट्रियल एरिया है उनको डेवलप करने की बात हुई है और उन्हें अपडेट करने की बात हुई, तो उससे भी लोकल में जो रोजगार की कमी लोग जो बोलते हैं, वो रोजगार के नए स्रोत पैदा होंगे, लोगों को बाहर पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो जीडीपी में जो है अभी और थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए स्पेशल 561 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है स्व सहायता समूह के माध्यम से, तो इसमें क्या है, जो छोटे स्तर पे जो महिलाएं काम कर रही है उनके लिए एक नया फैसला है ये कि वो और आगे अपने काम को बढ़ा सकती हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करना आसान होता है, वो एक घर की गृहिणी भी जो है इसमें शामिल होकर काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर बजट बहुत अच्छा है। शिक्षा में उन्होंने काफ़ी कुछ बजट पे प्रावधान किया है और बजट का 40% हिस्सा 50% हिस्सा उन्होंने शिक्षा की ओर रखा है। दूसरा, किसी भी प्रकार से व्यापार के लिए या व्यापार की ओर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बजट में कोई प्रावधान है कि व्यापार को लेकर के कोई चीज़ को उन्होंने दिया हो। चिकित्सा और शिक्षा जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़रूरी भी था और संतुष्टपूर्ण बजट है। सरकार का बजट निश्चित रूप से सराहनीय है। अभी जो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर के जो इन्होंने बनाया है और व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है कि कर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के विशेष बजट में प्रावधान किया गया। निश्चित रूप से व्यापार में इसका लाभ मिलेगा व्यापारियों को। किसान मन बढ़िया अच्छा सौगात लाई से, काबर गरीब किसान है हमन, तो 33% के वृद्धि आर्थिक लिए तो हमें सहयोग मिली और हम थोड़ा आगे बढ़ सकबो। किसान मन ओकर से गरीब किसान हैं तो ओकर से आगे बढ़ सकबो। किसान मनो बढ़िया काम करे है, सरकार नया सरकार है जी, तो ओकर से हम बहुत खुश हैं। आज के जो बजट है, जहाँ तक मैं न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में देख पा रहा था, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर खुलेगा और ग्रामीण विकास के लिए लगभग 70% का उसमें बजट में वृद्धि किया गया है। इसके लिए निश्चित ही मुझे उम्मीद है ग्रामीण के जितने भी युवाओं के लिए और ग्रामीण पंचायतों के विकास के लिए अच्छा ही विकास के लिए सिद्ध होगा। धन्यवाद। समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और विशेषकर प्रशासन को लोकप्रियता पहुंचाने के लिए और पारदर्शिता पूर्ण लाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान है। तो इस बजट में है वो 5 लाख करोड़ जीडीपी को दोगुना करके 10 लाख करोड़ बनाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है ये। और इसके क्रियान्वयन के लिए 10 पिलर्स जो है निर्धारित किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग है, सर्वांगीण विकास के लिए इनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत
जो राशि आवंटित किए गए, प्रावधान किए गए, निश्चित रूप से स्वागत है। सरकार का पहला यह बजट है और जो वायदे सरकार ने किए थे, जिसमें बहुत बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस सरकार ने जो बिजली बिल हॉप योजना लागू की थी, उसे इस सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और 400 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने का ऐलान किया है। तो कुल मिला के जो लोगों की उम्मीदें थी उस पर बजट मुझे खरा दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और खास तौर पर पुलिस महकमे के लिए भी 1000 पदों की वृद्धि की है। सरकार ने शिक्षा, वनांचल और नक्सली क्षेत्रों के उन्मूलन के दिशा में भी काम किए हैं। अभी चूंकि सरकार का पहला बजट है सत्ता बदलने के बाद से, इसलिए इस बजट को मूर्त रूप से धरातल में लाना अति आवश्यक है। इसके बाद ही बजट को लेकर कुछ कहा जा सकता है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो यह प्रस्तुत बजट वास्तव में सही बजट।